खेल मनोविज्ञान और प्रशिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 877। संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही सीखना है, ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये कथन है कोहलर का। कोहलर जो गेस्टाल्टवादी है ना, जिन्होंने सूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था है ना, जिसको समग्रकृति सिद्धांत कहते हैं, उसके जनक कोहलर, ये कथन कोहलर का है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 878। सेल्डन ने किस पुस्तक में व्यक्तित्व का जिक्र किया है, यानी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है सेल्डन ने जो तीन प्रकार से किया है, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, इसका वर्णन उन्होंने किस पुस्तक में किया है? तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा स्वभाव की किस्में। स्वभाव की किस्में ये नाम है उनकी पुस्तक का, यानी वराइटीज ऑफ टेम्परामेंट, ये पुस्तक सेल्डन के द्वारा रचित है और इसी पुस्तक में उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया है। अब वो तीनों प्रकार कौन कौन से हैं? एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, ठीक है ना। ये सेल्डन के द्वारा किया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण है, ठीक है। आप देखिएगा, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक से क्या तात्पर्य है? देखिएगा, एंडोमॉर्फिक है ना, एंडोमॉर्फिक का मतलब हो गया ऐसा व्यक्तित्व जो गोल, मोटे और मुलायम शरीर वाले होते हैं, उनको सेल्डन ने क्या बताया है? एंडोमॉर्फिक किस्म के, ठीक है ना। और जो मीसोमॉर्फिक किस्म के होते हैं, ये एथलेटिक्स टाइप के होते हैं, पूर्ण विकसित शरीर होता है, तीखे नाक, नक्स वाले होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो उनका व्यक्तित्व होता है मीसोमॉर्फिक टाइप का, ठीक है ना। और जो एक्टोमॉर्फिक वाले होते हैं वो कैसे होते हैं? ये कमजोर शरीर वाले होते हैं, नरम और लचीले शरीर वाले होते हैं, वो होते हैं एक्टोमॉर्फिक, ठीक है ना। तो ये व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? सेल्डन ने किया था। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए प्रश्न नंबर 880। अब तक हम 879 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। देखिए 880 पर क्या है, मानसिक आयु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सवाल यही है, मानसिक आयु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, इसका उत्तर बताइए। जी हाँ, मानसिक आयु सिद्धांत का प्रतिपादन बिने साइमन ने किया था। किसने किया था? बिने साइमन ने। कब किया था? 1908 में किया था, है ना। मानसिक आयु सिद्धांत का प्रतिपादन बिने और साइमन ने किया था, 1908 में इन्होंने किया था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 881। तालिका मापन के जनक कौन है? तालिका मापन जो बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण है उसी को तालिका मापन कहते हैं, उस तालिका मापन के जनक कौन है? टर्मन, है ना। जैसे 120 से अधिक है तो प्रतिभाशाली, 120 से अधिक है तो सृजनात्मक बालक, वो जो चार्ट बनाया था वो किसने बनाया था? वो टर्मन ने बनाया था, ठीक। चलिए 882 पर, बुद्धि लब्धि मापन के जनक कौन है? तो बुद्धि लब्धि मापन के जनक भी टर्मन ही होंगे, ठीक है ना। चलिए यहां से देखिए कंफ्यूजन खत्म हो रहा है। प्रश्न नंबर 883, बुद्धि लब्धांक मापन की जनक कौन है? प्रश्न वही है, घुमा घुमा करके पूछा जा रहा है। बुद्धि लब्धांक यानी आईक्यू जो मापन का तरीका वो किसने बताया था? उसके जनक है टर्मन। प्रश्न नंबर 884। आप देखिए प्रश्न, बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था, या बुद्धि लब्धि सूत्र के जन्मदाता कौन है? तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? टर्मन, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न पूछने का तरीका कितने तरीके से पूछा जाता है, ठीक है ना। बुद्धि लब्धि मापन के जनक कौन है? टर्मन है। बुद्धि लब्धांक मापन के जनक भी टर्मन है। बुद्धि लब्धि सूत्र के जनक भी टर्मन है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए
लेकिन अगर ये पूछा जाए कि बुद्धि लब्धि के जनक कौन है, तो बुद्धि लब्धि के जनक कौन है, विलियम स्टर्न। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 885, मानसिक आयु और वास्तविक आयु के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? मानसिक आयु और वास्तविक आयु के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? देखिए, अगर किसी बालक की वास्तविक आयु 5 वर्ष है और वो 10 वर्ष के बालक के प्रश्नों को सॉल्व कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष मानी जाएगी, भले ही बालक 5 वर्ष का है। यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा, मानसिक आयु और वास्तविक आयु के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? बुद्धि लब्धि कहते हैं, बुद्धि लब्धि। ठीक है ना, तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता, तो यहां से भी सतर्क रहिएगा। प्रश्न नंबर 886, बुद्धि लब्धि मापने की विधि सर्वप्रथम किसने बताई? फिर वही क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, टर्मन, सर्वप्रथम टर्मन ने बताया था। ठीक है ना, लेकिन अगर ये कहा जाए बुद्धि लब्धि के जनक कौन है, तो बुद्धि लब्धि के जो जनक होंगे वो हो जाएंगे स्टर्न, वो भी विलियम स्टर्न। कहां के रहने वाले थे? ये थे जर्मनी के रहने वाले। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 887, 887 प्रश्न देखिए क्या क्या है। सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ये भी कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में कि सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 90 से 110 तक। ये हम टर्मन की तालिका के अनुसार बता रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर ये पूछा जाए प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि तो 140, सृजनात्मक बालक की बुद्धि लब्धि तो भी 140। ठीक है ना, और कहीं कहीं आपको 120 भी मिलेगा। अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में है क्या, 120 से अधिक है तब भी प्रतिभाशाली होगा और सृजनात्मक बालक होगा, और 140 है तब भी सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बालक होगा, दोनों की बुद्धि लब्धि बराबर होती है। इसके अलावा प्रखर बुद्धि की बुद्धि लब्धि होती है 120 से 140। इसके अलावा तीव्र बुद्धि की यानी सुपीरियर 110 से कुल मिलाकर के 120 तक होगी इसकी। ठीक है ना, चलिए प्रश्न नंबर 888, युंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। युंग स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और इन्होंने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था वो कितने प्रकार से किया था? तो इन्होंने 3 प्रकार से वर्गीकरण किया था। क्या नाम था उसका? एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी और एक उभयमुखी। इस प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग महोदय ने किया था। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 889। अब यहां देखिए ग्रंथि से संबंधित प्रश्न, पिट्यूटरी ग्रंथ पाई जाती है कहां पर पाई जाती है? ये मस्तिष्क में पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्रंथ मस्तिष्क में पाई जाती है। तो यहां से भी ये प्रश्न बन रहा है, मस्तिष्क में एक होती है स्पिनाइट बोन्स, उसी बोन्स के अंदर ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है जिसको मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं, जिसको पीयूष ग्रंथ भी कहते हैं, तो ये स्पिनाइट बोन्स के अंदर पाई जाती है ना। ये स्त्री में बड़ी होती है और पुरुषों में छोटी होती है, सबसे अधिक हार्मोन्स इसी के द्वारा निकलता है, इसी के द्वारा STH यानी सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स निकलता है, जिसकी कमी से बौनापन और जिसकी अधिकता से लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो ये पिट्यूटरी ग्रंथ से संबंधित हो गया। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि थायराइड ग्रंथ से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो थायरॉक्सिन, पैराथायराइड से पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 890, हार्मोन्स का काम बता दीजिए, हार्मोन्स का काम क्या है? तो हार्मोन्स का काम है वृद्धि और विकास में सहायक होता है। ठीक है ना, तो हार्मोन्स की कमी से और हार्मोन्स की अधिकता से भी शरीर पर प्रभाव पड़ता है, यानी हार्मोन्स जो है उसका जो स्राव होना चाहिए बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए, ना बहुत अधिक होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए। तो हार्मोन्स का काम यही है कि वृद्धि और विकास में सहायक होता है। ठीक है ना, इसकी कमी से शारीरिक विकृतियां हो जाती हैं और इसकी अधिकता से भी शारीरिक विकृतियां हो जाती हैं, और ये हार्मोन्स हमारे रक्त के माध्यम से शरीर के सभी अंगों में पहुंचता रहता है ना। अगर ये पूछा जाए कि हार्मोन्स कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं
जो स्त्रियों में पाए जाते हैं, कौन से ऐसे हार्मोन्स है जो पुरुषों में पाए जाते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, ये पुरुषों में पाए जाने वाला हार्मोन्स है, जबकि रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन है ना, एस्ट्रोजन, ये स्त्रियों में पाया जाने वाला हार्मोन्स है, ठीक है ना। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 891, मनोविश्लेषण के जन्मदाता कौन है, ठीक है ना, ये बताना है कि मनोविश्लेषण के जन्मदाता कौन है। तो ये है सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड, ये है मनोविश्लेषण के जन्मदाता। और इन्होंने मनोविश्लेषण के अंतर्गत तीन प्रकार बताए थे, इड, इगो, सुपर इगो, यानी इदम, अहम, अति अहम, है ना। इड का मतलब इच्छाओं का भंडार, है ना, कल्पना शक्ति की बहुलता, और इगो का मतलब ये हो जाएगा कल्पना से काम नहीं चलेगा, उसे उस बालक को वो वस्तु चाहिए नहीं चाहिए। और अहम का मतलब यानी इगो का मतलब हो जाएगा, है ना, सोचने समझने की क्षमता, गलत सही का निर्णय लेना, ठीक, ये हो जाएगा आपका ईगो में, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 892, व्यक्तित्व के प्रकार, है ना, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए इसको एक ट्रिक में हम आपको बताते हैं, जेके और एसटी ऐसे करके याद कर लीजिए, नहीं तो याद नहीं होगा आसानी से। जेके ने 34, है ना, और एसटी ने 64 रुपए खर्च किए। यह है ट्रिक याद करने का तरीका। इसमें करना क्या है, देखिए जुंग महोदय ने व्यक्तित्व कितने प्रकार के बताए, तीन प्रकार के बताए। के फॉर हो जाएगा क्रेचमर, ठीक है ना, क्रेचमर ने व्यक्तित्व कितने प्रकार बताए, चार प्रकार बताए। और एस से हो जाएगा स्प्रेंगर, नाम नोट कर लीजिएगा, स्प्रेंगर के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं, छह प्रकार के होते हैं। और टी से हो जाएगा थॉर्नडाइक, इनके अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। तो ऐसे ही ट्रिक में आप याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 893, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, ये कथन है उडवर्थ का, ठीक है ना। चलिए, यानी अगर कोई व्यक्ति संवेग की स्थिति में है तो वो उत्तेजित दशा में होगा, है ना, यानी अगर क्रोधित है तो वो सामान्य अवस्था में नहीं होगा, अगर खुश है तब भी वो सामान्य अवस्था में नहीं होगा, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 894, संवेग 14 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 14 प्रकार के होते हैं, किसने बताया था। तो संवेग 14 प्रकार के होते हैं ये बताया था मैकडूगल ने, ठीक है ना, महत्वपूर्ण प्रश्न, मैकडूगल ने बताया था जितने प्रकार के संवेग होते हैं उतने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, ठीक, ऐसा मानना था किसका, मैकडूगल का, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 895, संबंधवाद उत्तेजना प्रक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद सिद्धांत, उत्तेजना प्रक्रिया सिद्धांत, ये किस मनोवैज्ञानिक का देन है, ये किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है, ये है थॉर्नडाइक का, किसका है, ये थॉर्नडाइक का है। और इस सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन 1913 में किया था, ठीक है ना। चलिए थॉर्नडाइक के बारे में हो गया, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक की ही देन है, सीखने के नियमों का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने ही दिया था, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 896, प्रश्न नंबर 896, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत और क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत, ये किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है, ये है पावलाव। पावलाव रूस के रहने वाले थे और इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत और क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत ये पावलाव की देन है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 897, परबलन सिद्धांत या इसी को कहते हैं सबलीकरण सिद्धांत, ये किस मनोवैज्ञानिक की देन है, चाहे आप परबलन कह लीजिए या सबलीकरण सिद्धांत कह लीजिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था ये बताना है, ठीक है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन क्लार्क हल ने किया था, कब किया था, 1915 में, ठीक है ना। और इन्होंने जिस पुस्तक में किया था उस पुस्तक का नाम था
व्यवहार का सिद्धांत, ये अमेरिका के रहने वाले थे। क्लार्क हल अमेरिका के रहने वाले थे और इन्होंने व्यवहार के सिद्धांत में परबलन सिद्धांत, सबलीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, है ना। परबलन यानी प्रयास करना, ठीक है ना, किसी उद्दीपन को देख करके प्रयास करना। चलिए प्रश्न नंबर 898, आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यकता की कमी का सिद्धांत किसने दिया था। यानी आवश्यकता जब होगी तो उसकी कमी, जब किसी चीज की आवश्यकता होगी, है ना, तो उसकी पूर्ति के लिए हम प्रयास करेंगे, ये कथन किसका है, ये किसका मानना है, ये है सी एल हल यानी क्लार्क हल, है ना, क्लार्क हल यही नाम है, यहां पर भी नोट कर दिया गया है। तो ये सिद्धांत क्लार्क हल का है। चलिए ये भी जरूरी है आपके लिए, है ना, कठिन कठिन हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं और नॉर्मल क्वेश्चन मिस छूट जाते हैं, तो पहले इन चीजों को क्लियर कर लीजिए, बाकी टीजीटी के अंतर्गत जितना सिलेबस है वो सब पूरा किया जाएगा, पहले जो चीजें पढ़ाई जा रही है उसको क्लियर करें, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 899, सोझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत, है ना, सोझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत ये किसकी देन है। तो ये है कोहलर की देन, ये सिद्धांत कोहलर की है, लेकिन इनके साथ साथ और भी लोग हैं, वर्दीमर ये भी एक मनोवैज्ञानिक है, इनके साथ इनके सहयोगी कोफका, है ना। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन वर्दीमर, कोफका और कोहलर ने मिलकर के सिद्धांत दिया था। ये जर्मनी के रहने वाले थे, इन्हीं को गेस्टाल्टवादी भी कहते हैं, है ना, इसी को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को समग्राकृति सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। और कोहलर ने ये सिद्धांत मेंटालिटी ऑफ एप्स पुस्तक में दिया था। चलिए प्रश्न नंबर 900, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत दिया, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, ठीक है ना। सही उत्तर क्या होगा, स्किनर। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पर किया था, ठीक है, और क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने यही बताया था, अगर किसी कार्य को करने के बाद यानी किसी क्रिया के बाद अगर कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो उस कार्य के करने की शक्ति में और वृद्धि होती है। यानी कि अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, अगर वो मुझे समझ में आता है और उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है तो हम और ज्यादा सीखते हैं, ऐसा किसका मानना था, स्किनर का मानना था। यानी उद्दीपन होना बहुत जरूरी है, यानी उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है, जो चीजें पढ़ रहे हैं और ये परीक्षा में आना है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परीक्षा में आना एक उद्दीपन का काम कर रहा है, ठीक है ना, इसीलिए इस चीज को हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत ये किसकी देन है, ये है स्किनर का, ठीक है ना। इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था, छोटे छोटे क्वेश्चन लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 901, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम, थॉर्नडाइक ने जो अपना मुख्य नियम दिया था, जो प्राथमिक नियम दिया था, जो प्राइमरी लॉ था, वो मुख्य नियम कौन कौन से थे और कितने थे। मुख्य नियम तीन बताए थे इन्होंने, है ना, उन तीनों के नाम भी बताना होगा। नंबर एक, तत्परता का सिद्धांत, है ना, जितने आप सीखने के लिए तत्पर रहेंगे उतने ज्यादा आप सीख पाएंगे। नंबर दो, अभ्यास का नियम, जितने ही अभ्यास करेंगे उतने ज्यादा आप सीखते जाएंगे, ठीक है ना, गलती कम होगी उतने ही आप में कौशल पूर्ण होते जाएंगे। प्रभाव या संतोष का नियम, है ना, ये तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव या संतोष का नियम, ये थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में शामिल है। चलिए प्रश्न नंबर 902, थॉर्नडाइक के गौर नियम यानी द्वितीय नियम के अंतर्गत कितने नियम शामिल है। तो इन्होंने पांच नियम बताया था थॉर्नडाइक ने, ठीक है ना। अब वो पांचों नियम कौन कौन से थे, नंबर एक बहुप्रतिक्रिया का नियम, है ना, नंबर दो मनोवृत्ति का नियम, नंबर तीन आंशिक क्रिया का नियम, नंबर चार आत्मीकरण का नियम, नंबर पांच संबंधित परिवर्तन का नियम, ये है थॉर्नडाइक के गौर नियम, ठीक। प्रश्न नंबर 903, सीखने में पठार का क्या अर्थ है, है ना, सीखने में पठार का अर्थ है सीखने की क्रिया का रुक जाना, सीखने की क्रिया का रुकना क्या है, सीखने में पठार का अर्थ है। अब सीखने में पठार बनता कैसे है, थकावट की वजह से बनता है ना, और
अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, रुचि नहीं है, तो भी आप जो है क्या नाम है पठार बनेगा। तो ये थे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।